लाहौर में ईद के दूसरे रोज सफाई ऑपरेशन जारी। 35,000 मेट्रिक टन कुर्बानी जानवरों की आलाइशें तल्फ कर दी गईं। शहर का तीसरे रोज जीरो वेस्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। अभी जानते हैं मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में मौजूद अपने रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और आज भी सफाई ऑपरेशन जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस और यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है और इस कंट्रोल रूम में बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है, लोगों की शिकायत का अजाला किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कंट्रोल रूम पर ये गाड़ियों का एक मैप है जहाँ पर बताया जा रहा है सैटेलाइट सिस्टम के साथ कि ये गाड़ियों की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है और इसको देख कर जो है इनको बाकायदा तौर पर जो है यहाँ से टेलीफोनिक रबते के जरिए अलर्ट किया जाता है। चांद रात से आज ईद का दूसरा दिन है। टोटल जो है वो 35,000 मैट्रिक टन जो लाशें हैं, 106 डंपिंग साइट्स जो हैं आर्जी हैं, वहाँ पर जो है इन लाइशों को फजले को ठिकाने लगाया गया है। आज ईद का चूँकि दूसरा रोज़ है और आज शाम जो है 11 बजे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। फिर कल ईद का तीसरा रोज़ है, कल भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा और पिछले साल जो है 60,000 मैट्रिक टन जो लाइशें थी उनको ठिकाने लगाया गया था और इसी सूरत हाल को देखने के लिए वजीर बल्दियात जो आमिर मीर हैं वो भी सड़कों पे नजर आ रहे हैं, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, तमाम जो लोग हैं इसको फील्ड में मौजूद हैं ताकि सफाई ऑपरेशन जो है वो जो मुतवातर जो है वो जारी रहे और लाहौर लश पश नजर आए। जी